नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के गति देने में मदद के लिए 75,000 करोड़ फंड की घोषणा की है। देश में आयोजित हो रहे छठे गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में गूगल के सीईओ ने ये बात कही है, देखिए। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। कंपनी की गूगल फॉर इंडिया की पहल के तहत किए जाने वाले इस निवेश का मकसद देश में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करना है। भारतीय मूल के पिचाई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ऑनलाइन बैठक भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिचाई ने इस निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष बनाया है। ये घोषणा भारत के भविष्य और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के भरोसे को दिखाती है। गूगल के सीईओ ने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों की पूरी ऐसी पीढ़ी है जिन्हें यह भारत में पहले पेश किया जा रहा है। देश के लोगों को अब किसी प्रौद्योगिकी के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम आज भारत और दुनिया भर में मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। ये चुनौती भी दो तरफा है। ये हमारे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करने वाली है और इसने हमें हमारे काम करने और जीने के तरीके के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन चुनौतियों का समय भी नमोवेश में अतुलनीय क्षण दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।